बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे। को पीपीटीएक्स फॉर्मेट को हम कन्वर्ट करेंगे पीडीएफ फॉर्मेट पे। तो चलें शुरू करते हैं। टास्कबार पे जाएंगे और यहाँ से हम सर्च एड्रेस पे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिखेंगे। यहाँ पे आपके पास आइकॉन आ जाएगा, इस पे आप क्लिक करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो जाएगा। प्रेजेंटेशन बनाएंगे या हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन है, फाइल पे जाएंगे, ओपन पे जाएंगे, ब्राउज करेंगे, डेस्कटॉप पे जाएंगे, प्रेजेंटेशन की फाइल पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ से ओपन करेंगे। फाइल जो है हमारे पास ओपन हो जाएगी। फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे, ब्राउज पे क्लिक करेंगे, तो लोकेशन देंगे डेस्कटॉप, उसके बाद हम फाइल का नाम देंगे, उसके बाद सेव एज टाइप पे जाएंगे और यहाँ से हम की बार पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये ऑप्शंस आ जाएंगे। पे हम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और सेव करेंगे। मैक्स की पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन कन्वर्ट हो गई है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट पे। तो यहाँ पे हमारे पास पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का सॉफ्टवेयर पे ये ओपन हो गई है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की फाइल कन्वर्ट हो गई है पीडीएफ फाइल फॉर्मेट। प्रेजेंटेशन है, इस पे हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज पे जाएंगे, फाइल साइज है वो 20 MB है। पीडीएफ फाइल फॉर्मेट की फाइल पे हम राइट क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे, फाइल का साइज 298 KB हो गया। इस फाइल को 1 MB से भी कम कर दिया। फॉर्मेट बनाने का फायदा ये होता है कि आप प्रेजेंटेशन को जो 20 MB की थी उसको आप कहीं शेयर करेंगे, कोई फाइल मेल करते हैं तो वो 25 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एहसन मुगल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।